समाजवादी पार्टी जो है आवाज उठा रही है और माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है समय समय पर स्वतः संज्ञान लेकर के जब इस तरह के मामले जो बड़े पर्दे पर आते हैं तो उसका जो है कि जांच बैठाते हैं। और हम लोगों को भरोसा है कि ये फेक इनकाउंटर पर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, हमारे लौटराम जैसे बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी जैसे आवाज़ उठा रहे हैं, तो लेकिन अब गले में फांस पड़ गई है। और इस मामले की अगर जांच होगी तो जो पीलीभीत में 18 साल पहले इसी तरह से फेक इनकाउंटर हुआ था, 17 पुलिस वालों को आजीवन कारावास हुआ है। इसी तरह डीके शाही के नेतृत्व में जो सबर टास्क फोर्स है और स्पेशल ठाकुर फोर्स है, इन लोगों भी कटघरे में खड़े होंगे, इनको भी सजा होगी। मंगेश यादव को 2 तारीख को भोर में घर से उठाया जाता है और 5 तारीख को जो है कि मुठभेड़ दिखा करके और जो है कि फेक इनकाउंटर कर दिया जाता है। मैं 5 तारीख से लगातार बोल रहा हूँ। और जहाँ तक कह रहे हैं कि बहन का वीडियो पुलिस ने जारी किया है, वह कह रहे हैं कि 2 महीना से घर नहीं आया, बम्बई में रहता था या कहाँ रहता था, तो मेरे भाई अगर किसी को डरा धमका दिया जाओ, पहले तो वो लड़की टूट गई उसी तरह कि राखी बांधने वाला इकलौता भाई था वो भी मारा गया, और उस लड़की को डराया धमकाया गया होगा कि इस तरह से तुमको बोलना है, और पुलिस ने इस तरह से वीडियो डरा धमका करके बनाया है ताकि फेक इनकाउंटर को रियल इनकाउंटर बता दिया जाए। अब भाई जब इनकाउंटर हुआ तो सचिन सिंह पुष्पेंद्र सिंह के पैर में गोली लग गई और यादव होने के नाते मंगेश यादव के सर में गोली लग गई। वह गोली ने कहा, वो कौन कौन AK-47 कौन आ रही हैं, वो कहा कि देखो भैया ये बाबू साहब हैं, हम इनके सर में और सीने में नहीं लगेंगे, हम तो पैरवे में जाएंगे, उनका चरण पादुका छुएंगे। यह पूरी तरह से फेक इनकाउंटर है। और इसलिए अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे लौटर राम हो, लगातार हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। इसकी जो है अगर वास्तव में न्यायिक जांच होगी, है विदुषी सिंह जो SDM लंबुआ की हैं, उनको मजिस्ट्रेटी जांच की जिम्मेदारी दी गई है, उस जांच पर हम लोगों को भरोसा नहीं है। उनकी बहन जो कह रही हैं कि उनको घर से ले जाया जाता है, लेकिन ये बात मीडिया में जब उनका इनकाउंटर हो गया तो उनकी बहन को ये बताना चाहिए था, उनके परिवार को बताना चाहिए था कि मंगेश यादव को कहाँ ले गए। इसमें भी तो सच्चाई उनको सामने लानी चाहिए थी। वो कह रही हैं कि हम यहाँ से ले गए हैं, और जबकि उसमें फिर बोले कि मुंबई था, तो इसका मतलब पुलिस घर से ले गई कि कहीं और उसको पकड़ी है दौड़ा के, ये तो बता। अगर वो भाग रहा था, यानी मान लीजिए कि अगर पुलिस घर पहुँच गई और उस समय मंगेश यादव भागने की कोशिश की और पुलिस ने गिरफ्तार उसको कर लिया, अगर ऐसा भी हुआ तो इनको वो तो सच्चाई बतानी चाहिए थी। देखिए, ये बहन से बाद में ये पूछे, अगर आप लोग पूछे होते घटनाक्रम को, अब जिस दिन घटना हुआ और परिवार के लोगों से आके पूछते, उनके दादा से पूछते, उसकी माँ से पूछते, पिता तो राजेश यादव शायद गुजरात में थे, या बहन से पूछते क्या हुआ, तब वो आपको सच बताते। जब कोई घटनाक्रम आप बताओगे नहीं या पूछेंगे, जो प्रश्न करेंगे नहीं, तो उत्तर वो आएगा कहाँ से, या पूरी तरह से उठा कर ले जाया गया है। हर मीडिया के सामने, हर चैनलों पे उन्होंने एक ही बात बोला कि हमारे भाई को यहाँ से उठा के ले जाया गया है, लेकिन ये वीडियो आने के बाद सवालों के घेरे में तो ये लोग भी आते हैं कि सच्चाई इतनी बड़ी छुपाई क्यों है। ये जो है, ये पुलिस ने दोहरी साजिश रचा, या जो है कि उसके बाद में आकर के जिस दिन ले गए हैं, 2 तारीख के भोर में ले गए हैं, और हो सकता है कि उसी दिन रात में इस तरह का ये वीडियो भी बना लिए होंगे, और जब इनके गले में फांस पड़ने लगी तो वो किए होंगे, क्योंकि रात का वीडियो है भी है। और पुलिस जो है ना, ये पुलिस जब कोई इस तरह का गलत काम करती है ना, तो तरह तरह के बचने का प्रयास करती है, लेकिन अब गले में फांस पड़ गई है। और इस मामले की अगर जांच होगी तो जो पीलीभीत में 18 साल पहले इसी तरह से फेक इनकाउंटर हुआ था, 17 पुलिस वालों को आजीवन कारावास हुआ है। इसी तरह डीके शाही के नेतृत्व में जो सबर टास्क फोर्स है और स्पेशल ठाकुर फोर्स है, इन लोगों भी कटघरे में खड़े होंगे, इनको भी सजा होगी। और आज नहीं तो कल दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के इशारे पर यादव समाज को टारगेट में लेने के लिए, बदनाम करने के लिए, PDA के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए, मंगेश यादव जैसे एक जो निसहाय परिवार के बच्चे की निर्मम हत्या की गई है, इसकी हाथ तो निश्चित रूप से जो है इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर लगेगी। और योगी आदित्यनाथ का वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, 1996 में संसद के अंदर सोमनाथ चटर्जी के सामने किस तरह से पुक्का फोड़ कर रो रहे थे, उस दिन मालूम आया था जान मेरी खतरे में है। और आज एक बच्चे का, निर्दोष बच्चे का कर दिया गया। अगर मान लिया कुछ समय के लिए उस डकैती में शामिल रहा किसी तरह से, तो जैसे सचिन सिंह के पैर में गोली मारा गया, पुष्पेंद्र सिंह को गोली मारा गया पैर में, वैसे ही उसको भी मारते। लेकिन यादव होने के नाते मौत के घाट उतार दिया।
ये इसलिए जो है कि डीके शाही की जो के नेतृत्व में जो एसटीएफ रही है उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों ऐसा प्रशासन करेगा। सुप्रीमो अखिलेश यादव भी सपा सुप्रीमो यही बात बोले हैं कि यादव के चलते उसकी इनकाउंटर किया गया, जबकि सरकार कहती है कि हमारी जो सरकार है सबका साथ सबका विकास का नारा भी देती है और लेके सबको साथ में चलती है, तो ऐसा क्यों करेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास और सबके प्रयास की बात करती है, लेकिन सबका साथ लेकर अपनों का विकास करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं देख रहे हो आप, 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ और गलत तरीके से MRC लागू करके कितनी लूट की गई नौकरियों का। हाईकोर्ट के डबल बेंच लखनऊ बेंच ने पर्दाफाश कर दिया ना कि 18,988 पदों की डकैती की गई। पिछले साल 2023 के मई महीने में 1,468 पदों पर ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आई। OBC को 27% रिजर्वेशन है, तो हमें मिलना चाहिए था 396 पद, मिला 137 पद, 249 पदों की डकैती। एक दो जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है तब से OBC SC का जो आरक्षण है उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली का गला घोट करके जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। डीके साई के चप्पलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं कई लोगों के ये सवाल है कि क्या पुलिस को जब सूचना मिलेगी कि कोई अपराधी भाग रहा है तो चप्पल पहनेगी जूता पहनेगी कि जाके उसको पहले पकड़ेगी। देखो भाई, अपराधी कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान छोड़ देता है, और जब अगर ये जा रहे थे, इतनी टीम थी, कैसे ये मालूम हुआ कि यही रास्ते से आएगा यही आएगा, वो तो उठा के घर चले गए थे ना। बता तो रहे कि मुखबिर था, मुखबिर बताया हमें, मुखबिर बताया वो 4 बजे भोरवा में उनको, और वो चप्पल पहन के आए थे। अरे यार पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं, जूता उता मोजा वोजा पहन के एकदम फिट कि वो बताओ चप्पल पहन के लखड़ा के गिरेंगे, मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। मंगेश यादव इतना बड़ा डकैत था, मारता डीके शाही का चारों खाने चित हो जाते। यह चप्पल पहन करके पूरे देश में पहली बार इस तरह के मुठभेड़ का की कहानी सामने आई है कि डीके शाही ठाकुर सामंती जो कि एसटीएफ को लीड कर रहे थे और चप्पल पहन के इनकाउंटर करने गए थे। या देखो यही जो है ना, पुलिस अपनी गलती का फाल्ट सामने छोड़ दिया है। क्यों ऐसा क्यों, ये देखिए प्रशासन है, क्यों ऐसा करेंगी? ये क्या जो कह रहे हैं, ये जाति को टारगेट करने वाली बात जो चल रही है, क्या ऐसा ही है? देखिए पूरी तरह से क्या आप नहीं देख रहे हो, आप घटना हुआ 30 जुलाई को मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर क्या बोल रहे थे। मरीन ड्राइव पर एक कांड होता है, 16 लड़के जो है कि बरसात खूब बारिश हो रही थी लखनऊ में झमाझम, 16 लड़कों की एक सूची जारी हुई कि लड़की के साथ छेड़खानी हुआ। मुख्यमंत्री जी के सामने पुलिस वालों ने 16 लड़कों की सूची जारी किया जिसमें उन्होंने पवन यादव का नाम लिया, अरबाज खान का नाम लिया, तो शेष सिंह जी का, शर्मा जी का, वर्मा जी का, पांडे जी का, तिवारी जी का, अग्रहरी जी का, गुप्ता जी का नाम क्यों नहीं लिए? तो लिस्ट बड़ी रही होगी इसलिए दो लोगों का नाम। अरे दो ही का भैया, एक कोटे तिवारी जी का नाम ले लिए होते, चार चार गुप्ता जी उसमें थे, एक को गुप्ता का नाम ले लिए होते, दो दो चार चार पाँच पाँच आठ गो सवर्ण थे उनका नाम ले लिए होते। यह केवल यादव और मुसलमान को बदनाम करने का इस तरह काम किया जाता है। ऐसी जाँच हो कि इस मामले की सच्चाई के तह तक पहुँचा जाए। हमारी अपेक्षा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय जिस तरह से पीलीभीत में जो है सिखों को जो है फेक इनकाउंटर में मारा गया था, 18 साल बाद दूध का दूध हुआ और उसे फेक इनकाउंटर मानते हुए 18 पुलिसकर्मियों को जो है दोषी करार देते हुए उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। जो यह मंगेश यादव का इनकाउंटर है कि फेक इनकाउंटर है कि रियल इनकाउंटर है, इसकी जो है निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया गया, क्या लगता है कि इस पे आ सकती है सच्चाई सामने? बिल्कुल भरोसा नहीं। DGP कौन? ठाकुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? ठाकुर। SDM के हेड कौन? ठाकुर। अब जो डकैती का मास्टरमाइंड बिपिन सिंह ठाकुर, उनको संरक्षण देने वाला MNC मंत्री विधायक ठाकुर, तो अभिदुषी सिंह लंबुआ की SDM सिंह, इसलिए हम लोगों को इस मजिस्ट्रेटी जांच पर भरोसा नहीं है। और योगी आदित्यनाथ का जातिवादी चरित्र है, इसलिए मैं योगी आदित्यनाथ के जातिवादी कदमों का मैं विरोध करता रहा हूँ, करता रहूँगा, और इस मामले की उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैं निवेदन करूँ, आग्रह करूँगा कि स्वतः संज्ञान लेकर के इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इनकाउंटर है, फेक इनकाउंटर है, रियल इनकाउंटर है कि क्या है? अगर हम लोग नहीं बोल रहे अखिलेश यादव ट्वीट नहीं किए होते तो अरविंद यादव का भी इनकाउंटर हो गया होता और ढकवा बाजार के एक और यादव का इनकाउंटर।
पुलिस ने अब तो साबित भी कर दिया है कि मंगेश यादव चोरी में शामिल था, उसका फोटो जारी किया गया है, 5 लोगों में मंगेश यादव भी है उसमें। असली डकैतों को बचाने का यह काम किया जा रहा है। 1 लाख का इनाम घोषित हो सकता है। विपिन सिंह, विवेक सिंह, दुर्गेश सिंह, अनिल प्रताप सिंह, सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, ये कौन है? इनको संरक्षण में उन नेताओं को आप लोग खुद जानते हैं, 1 MLC, 1 विधायक हमारे दल से भगोड़ा, 1 मंत्री जो अमेठी और सुल्तानपुर के ही रहने वाले, तीनों सिंह नामधारी, इन्हीं का संरक्षण। पंडितों का भी तो इनकाउंटर। अरे यार आप ये बताइए, यही कादीपुर में इनकाउंटर हुआ, तिवारी पर 32 मुकदमा और ठाकुर पर 38 मुकदमा, और तिवारी का के छाती में गोली लगी, खोपड़ी उड़ गई, और ठाकुर के पैर में जैसे लगता है बोरा बांध कर कट्टा से वार कर दिया गया, इस तरह गिरफ्तारी दिखाई जाती है। अरे भाई विकास दुबे अपराधी था, उसकी गाड़ी पलटी करा के मार दिया गया, लेकिन खुशी दुबे का, उसकी पत्नी का कौन सा आरोप था? 17 साल की लड़की थी, 2 दिन की ब्याहिता थी, 1.5 साल बाराबंकी कारागार में रख करके अमानवीय कुकृत्य तक किया गया, वो लड़की खून की उल्टियां कर रही, तब भी लौटर राम आवाज उसका उठाया था, प्रतिकार किया था। अगर ठाकुर बाभन के ब्राह्मण के साथ भी अगर गलत होगा तो लौटर राम समाजवादी होने के नाते अन्याय का विरोध करेगा, गलत का गलत, गलत को गलत कहेगा, सच का साथ देने का काम करेगा। एक आखिरी सवाल, विपिन सिंह को समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है, एक फोटो वायरल हुआ यूपी तक पर, साफ साफ दिखाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है विपिन सिंह। आप किस पार्टी से साथ रखते हो? आप फोटो तो मेरे साथ आ गया, आप तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, आप तो भारतीय जनता पार्टी वाले हो, आप फोटो का ही इसका कोई, अखिलेश यादव के यहाँ हजारों लोग आते हैं मिलने के लिए, तो उससे क्या हो जाता है कि उनका खास है का? अरे आपका भी फोटो मेरे साथ हुआ, समाजवादी पार्टी के लोग, यादव समाज के लोग आवाज उठाएंगे क्या? अरविंद यादव को गिरफ्तारी जो होती है वो 1 तारीख को होती है, लेकिन गिरफ्तारी जो है 11 तारीख को दिखाया जाता है। थोड़ा सा पीछे हो जाइए पत्रकार महोदय, वो अभी प्लानिंग थी, और अरविंद यादव का भी फेक इनकाउंटर हो जाता, लेकिन यह मामला इतना तूल पकड़ लिया मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, हम जैसे लोग मुखर होकर के फेक इनकाउंटर बताने लगे, तब जो है कि पुलिस का हाथ पांव फूल गया, और अरविंद यादव जो फेक इनकाउंटर में मारे जाने थे उनकी जान बच गई, और ठठेरी बजाए ढकवा बजार के एक और यादव लड़के की जान बच गई। वाले कहते हैं 2027 का चुनाव है, इसलिए सपा वाले हंगामा मचा रहे हैं। आप ये बताइए कि इनकाउंटर ये बताइए, अयोध्या में एक निषाद लड़की के साथ 2 महीने का पेट से बताया जाता है, उसमें आरोपी जो असली है राजू खान का रहा कि मेरे साथ मेरे से ऐसा हुआ है, मोहित खान को आरोपी बना दिया गया। मुख्यमंत्री जी 2 दिन वहां प्रवास करते हैं, 5 लाख रुपया की मदद करते हैं, लड़की को 8,500 रुपया 22 साल की उम्र तक मदद का देने का, उसके 2 भाई बहनों की मदद की बात करते हैं। विश्राम पासी की लड़की ज्योति पासी के साथ उसी दिन जिस दिन मुख्यमंत्री जी विधानसभा में आवाज़ उठा रहे थे अयोध्या मामले को, तो मवई थाना है अयोध्या में, उस लड़की का 3 साल की लड़की के साथ रेप होता है, और दरिंदगी के बाद गला घोट कर मार के नाली में ठूस देता है, तब योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं बोलते हैं? योगी जी के बिरादरी का एक हिस्ट्री सीटर हमारा करंडा थाना है गाजीपुर जनपद में, गोसंदेपुर गाँव का बिल्ला सिंह जो लड़की को टाफी का लालच दे करके दरिंदगी करता है, ट्रामा सेंटर BHU में इलाज उस लड़की का चल रहा है, जीवन मौत से संघर्ष कर रही है, तब योगी जी क्यों नहीं वो उस बेटी के पक्ष में बोलते हैं, उस परिवार की मदद करते हैं? एक राजभर समाज की 15 साल की लड़की जखनिया गाजीपुर भुरकुड़ा थाना के 14 खास गाँव की, ठाकुर बिरादरी का अरुण कुमार सिंह घर में खींच करके रेप करता है, दरिंदगी करता है, लहूलुहान कर देता है, तब योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर और मायावती की बोलती बंद हो जाती है। सर क्या मंगेश यादव को न्याय मिल पाएगा? देखिए मंगेश यादव को तो हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन निश्चित रूप से उसका जो उसका फेक इनकाउंटर हुआ है, और फेक इनकाउंटर करने वाले लोग निश्चित रूप से पीलीभीत में जिस तरह 17 पुलिस वालों को आजीवन कारावास हुआ, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, उसी तरह से हम लोगों को भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें ये मजिस्ट्रेटी जाँच पर कोई भरोसा नहीं है कि निश्चित रूप से मंगेश यादव के परिवार किस जांच एजेंसी पर आपको भरोसा? देश की किस जांच एजेंसी? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से जांच होगा, उस पर हम लोगों को क्या समाजवादी पार्टी करवाएगी ये जांच? समाजवादी पार्टी जो है आवाज उठा रही है, और माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है समय समय पर स्वतः संज्ञान लेकर के जब इस तरह के मामले जो बड़े पर्दे पर आते हैं तो उसका जो है कि जांच बैठाते हैं, और हम लोगों को भरोसा है कि ये फेक इनकाउंटर पर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं,
हमारे लौटाराम जैसे बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी जैसे आवाज़ उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों को विश्वास है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज स्वतः संज्ञान लेकर इसकी जाँच कराएंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।